Greeting to all. Dear students, in the last video we have completed our continuous tense. And today we will do perfect tense, perfect and perfect continuous tense. So look at verb. What are the rule of that? We will do here perfect and perfect continuous. Okay, firstly we said to hear perfect tense, be it present perfect tense. Perfect mein phir aayega past perfect tense, and isme aayega future perfect tense. So in the perfect there will be three tense: present perfect tense, past perfect tense and future perfect tense. Clear? Public. Now we shall start only firstly present tense. Present perfect tense features in English. We find here has or have plus third form of the verb, and in features in Hindi, if there is a Hindi words, then we use here chuka, had, chuke hain and chuki hai. Clear? Chuka hai, चुके हैं एंड चुकी. अब नेक्स्ट देखिए अब हम क्या करते हैं. अब हम यहां पे अगर यूज करेंगे, अब देखिए ध्यान से कैसे करना. हमने इसका रूल अगर हम करेंगे तो सब्जेक्ट यूज करेंगे पहले, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. हेल्पिंग वर्ब विल बी हियर हैज और हैव. क्लियर? हैज फॉर सिंगुलर और हैव फॉर प्लूरल, प्लूरल एंड आई और वी. क्लियर? सो दिस इज द एग्जाम्पल विल बी हियर रामू कैस लीव द हाउस बिफोर 10 days, before 10 days. अगर मैं बात करू रामू लीव द हाउस बिफोर 10 डेज, तो हम कहेंगे had left, has left, has left. Clear? तो we use here has have plus third form. और if you want to make it as a interrogative sentence, then we use here has before subject. तो बिफोर सब्जेक्ट वी यूज हियर हैज, बिफोर सब्जेक्ट वी यूज हैज. क्लियर? तो इट विल बी इंटरोगेटिव, फिर आप पीछे साइन ऑफ इंटरोगेशन का चिन्ह लगा देंगे इसमें. नेक्स्ट है अब हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस. इस टेंस में हम क्या करेंगे, फीचर्स इन इंग्लिश में कैसे मिलेगा पास्ट परफेक्ट आपको, हैड प्लस थर्ड फॉर्म. ओनली यू विल फाइंड हैड विद सिंगुलर और प्लूरल, वी यूज ओनली हैड. नेक्स्ट फीचर्स इन हिंदी, अगर हिंदी का कोई सेंटेंस आपको मिले तो देन यू के विल से इट विल बी चुका था, चुकी थी और चुके थे. क्लियर? जैसे वह खाना खा चुका था, वे घर जा चुके थे. ओके? और उसने होमवर्क पूरा कर चुका था. ओके? वी कैन यूज दिस टाइप. इसका रूल्स हो जाएगा, फर्स्ट हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस
ऑब्जेक्ट. तो हेल्पिंग वर्ब विल बी हेयर हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल सी जैस टेक हर फूड. अगर हमने पास्ट परफेक्ट यूज करना तो यूज करें सी हैज टेकन, सी हैज टेकन. क्लियर? हम यूज करेंगे सी हैज टेकन, सी हैज टेकन. अब ध्यान से देखना, अभी इट इज अ सिंपल सेंटेंस. अगर हमने इसको इंटरोगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, किसी भी टेंस का अगर इंटरोगेटिव टेंस है, इंटरोगेटिव टेंस बनाना है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ले आएंगे. हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज. तो हैड आगे लगा दो, बस हैड यहां पे लगा दो. हैड सी चेक ऑन हर फूड, देन इट विल बी इंटरोगेटिव. अगर हमने इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो हैड सी नॉट, फिर यहां पे हम नोट लगा देंगे. हैड सी नॉट, कुछ नहीं करना आपने, कोई रूल चेंज नहीं करना, बस जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे ले आओ. किसी भी टेंस का सिंपल का अगर आपने नेगेटिव इंटरोगेटिव बना तो हेल्पिंग वर्ब आगे ले आओ. और फिर अब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है तो बीच में सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दीजिए, देन इट विल बी वेरी इजी. अगर डब्ल्यूएच फैमिलियरिटी करनी है, मान लो ये करना वाई फिश के नेगेटिव बनाकर, इंटरोगेटिव बनाकर उसके आगे ये लगा दो डब्ल्यूएच वर्ड. वाई हैड सी नॉट टेकन हर फूड, कुछ भी तो नहीं करना, आपको सिंपल आना चाहिए, सिंपल सेंटेंस आना चाहिए. सिंपल का हेल्पिंग वर्ब आगे ले आओ, इंटरोगेटिव बन गया. नेगेटिव लगाना है सुबह के बाद नोट लगा दोगे. डब्ल्यूएच का वर्ब बनाना है आपने तो क्या करो, कुछ नहीं करना, बस जो हैड आगे लगाया है, हेल्पिंग वर्ब लगाई है हैड, उसके आगे डब्ल्यूएच वर्ड लगा दो. वेरी इजी. क्लियर? व्हाई हैड सी नॉट टेकन हर फूड, इज इट इजी? नेक्स्ट अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट. और फ्यूचर परफेक्ट में हम क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट में क्या करेंगे, देखिए ध्यान से. फीचर्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में क्या फीचर्स होंगे, इट विल बी फीचर ओनली शैल हैव और विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. शैल हैव और विल हैव, तो वी यूज हियर. और फीचर्स इन हिंदी, चलो हिंदी में भी मैं करवा देता हूं आपको, सभी की होगी जिसकी क्यों रहे. फीचर्स जो हिंदी में, इसकी हिंदी में क्या होगा, इसका हिंदी में होगा इसका चुका होगा और चुकी होगी या फिर चुके होंगे. क्या रूल हो जाएगा इसका, रूल सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सबका सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा रूल है सभी का. अब सब्जेक्ट इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे शैल हैव, इसमें लगाएंगे विल हैव, शैल हैव और विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म. वैसे आप विल हैव सभी के साथ लगा सकते हैं, विल आजकल लगभग यूज ज्यादा होता है तो विल हैव यूज कर सकते हो आप. और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, एग्जाम्पल कैसे लिखें कि अमित विल हैव टेकन हिज बुक टुडे. अब यहां पर देखिए अमित विल हैव टेकन हिज बुक, इट इज अ सिंपल सेंटेंस. अगर आपने नेगेटिव बना तो क्या करेंगे, हम विल को आगे लेंगे, इसको आगे हेल्पिंग वर्ब पर आगे ले, विल हटा दो. विल अमित हैव टेकन हिज बुक, इट विल बी नाउ इंटेंडेड. अगर अमित विल नॉट हैव, इट विल बी इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव. इफ यू वॉन्ट टू मेक इट डब्ल्यूएच वर्ड्स देन वी यूज हियर वाई. Why will Amit not have taken his book today? Then it will be interrogation, say interrogation as in the WH form. So dear students, these are only perfect rule. So today you will complete the only perfect, perfect, present perfect, present, past perfect or future perfect. Clear? In this video, these are enough for you. Next rule of this, I will tell you in next
video. Okay, thank you and have a nice day.